वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज मैं आपको अप्रैल महीने के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया? तो 31 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 64 लाख रुपए की मंजूरी दी है? तो असम ने साथियों 64 लाख रुपए की मंजूरी दी है। दूसरा प्रश्न आपका है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस रमेश सिन्हा बने हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। साथियों, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया है जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में है और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें संस्करण अर्थात आईपीएल 2023 की शुरुआत 31 मार्च से हो रही है और पहला मैच कहां हुआ साथियों? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो राउरकेला में स्थित है, उसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है, टाटा पावर ने किसे फिर से अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा को नियुक्त किया है। और हीरो मोटर कॉर्प ने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो निरंजन गुप्ता को। किसे? तो निरंजन गुप्ता को। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनने जा रहा है? तो राजस्थान में बनने जा रहा है। कौन सा स्टेडियम साथी कहां बनने जा रहा है? राजस्थान में। और जयपुर के चोनप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। पहला है गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दूसरा कहां है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, 100% रेलवे विद्युतीकरण नेटवर्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बना है। कौन बना है? हरियाणा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 अप्रैल को मनाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस राज्य ने उत्कल दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो फिनलैंड बना है नाटो का 31वां सदस्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कंगार चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के कंगार चाय को जीआई टैग मिला है, यूरोपीय जीआई टैग। वाई कांट एलिफेंट बी रेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाणी त्रिपाठी टिंकू जो है ये वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड के लेखक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश के साथियों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है। हाल ही में किस देश के आर्थिक सुधार में सहायता के लिए यूक्रेन के लिए 15.6 मिलियन डॉलर की सहायता पैकेज देने को मंजूरी दी है? तो साथियों आईएमएफ ने मंजूरी दी है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो सिलीगुड़ी में होगी। कहाँ होगी? सिलीगुड़ी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में कवक रोग से संक्रमित होने वाला पहला व्यक्ति पाया गया है? तो कोलकाता में। कहाँ पाया गया है? कोलकाता में। और कोलकाता कौन सी रिवर के किनारे है? तो हुगली रिवर के किनारे है साथी। हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने साथी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के प्रतिमा का अनावरण किया? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने साथियों महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये जो महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर हैं इन्हें त्रिपुरा का आधुनिक वास्तुकार भी कहा जाता है। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो हरियाणा है प्रथम स्थान पर साथियों। कौन है? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब कि किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। अगला प्रश्न आपका है, नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह घोषित किया गया है
एक अप्रैल से 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन ने। साथ ही अगला प्रश्न आपका है, कोटरिंग इंडिया इंग्लैंड यू मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंदिनी दास है। कौन है? नंदिनी दास। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सिलिनेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? तो भारत श्रीलंका के साथ भाग ले रहा है। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनम पुरम कोट्टी। अगला प्रश्न आपका है, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो खलील अहमद बने हैं। कौन बने हैं? खलील अहमद। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 4 अप्रैल को मनाया गया है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे नया एमडी नियुक्त किया है? तो केंची उमेदा को। किसे? तो केंची उमेदा को। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.30% कर दिया है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम को बदलने की घोषणा की है? तो चाइना ने। वस्टलिक डे परेड के लिए पीएम मोदी को किस देश ने बुलाया है? तो फ्रांस ने बुलाया है। और फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो एलिजाबेथ बोर्न है। कौन सी अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? तो केन्या। कौन? केन्या। और केन्या की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत किस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे किए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे किए हैं। और इससे पहले विराट कोहली, शिखर धवन, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, सुरेश रैना और एबी विलियर्स 5000 रन पूरा कर चुके हैं आईपीएल में। और अब को किसने किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी ने। अगला प्रश्न आपका है, नासा ने अपने चंद्र मिशन ऑटोमस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका है, फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सुधा शिव कुमार ने। किसने? सुधा शिव कुमार ने। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के सुपरस्टार डेनियल मेदवेद ने मियामी ओपन 2023 का पुरस्कार जीता है? तो रूस के सुपरस्टार है साथियों डेनियल मेदवेद, इन्होंने मियामी ओपन 2023 का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न आपका है, सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है सलीम दुरानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न आपका है, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा साथियों? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि कोप इंडिया सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा। अगला प्रश्न आपका है, 100 विद्युतीकरण रेलवे स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बना है। कौन बना है? हरियाणा। अगला प्रश्न आपका है, अंजलि शर्मा लुचारी पहनकर, लुचारी साथियों क्या होता है? तो हिमाचल प्रदेश का एक पहनावा है लुचारी। तो अंजलि शर्मा लुचारी पहनकर अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत को फतह करने वाली पहली महिला बन गई है। और यह किस राज्य की है? तो हिमाचल प्रदेश की है साथियों। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न आपका है, देश का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो केन्या ने की है। और केन्या की राजधानी क्या है? तो नैरोबी है केन्या की राजधानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में 24/7 फूड सेवा देने के लिए 50 ट्रक लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो मुंबई में साथियों। और मुंबई 2400 घंटे फूड सेवा दी जाएगी, इसी के लिए 50 ट्रक लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कैटरोसिस ब्रोमोस सदाशिव तितली की प्रजाति खोजी गई है? तो केरल में साथियों। केरल में एक तितली की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है कैटरोसिस ब्रोमोस सदाशिव, और यह तितली की प्रजाति है। शिशुपालगढ़ कलिंग काल में व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था, यह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है शिशुपालगढ़ साथियों, जो ध्वस्त हो रहा है धीरे धीरे। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में मार्बर्ग वायरस के कारण 5 लोगों की मौत हुई है? तो तंजानिया में। कहां पर? तंजानिया में। अगला प्रश्न आपका है, मार्च 2023 महीने के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह कितना है? तो 1.60 लाख करोड़ रुपए है। कितना है? 1.60 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह है मार्च 2023 महीने तक के लिए साथी। अगला प्रश्न आपका है, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी
पहली ब्रांच खोलेगी तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने सीबीआई के हरिक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब सीबीआई तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सीबीआई की स्थापना हुई थी 1936 में। और सीबीआई के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। हाल ही में भारत किस देश से हेलफायर मिसाइल और 50 टॉर्पीडो खरीदने की घोषणा की है? तो अमेरिका से और भारत पर। और साथियों अब भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास होता है, युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास होता है। और भारत और अमेरिका के बीच साथियों युद्धाभ्यास होता है टाइगर ट्रंप अभियान भी साथियों भारत और अमेरिका के बीच होता है। अमेरिका और कनाडा के बीच साथियों 49वीं समांतर रेखा है जो बॉर्डर लाइन है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में दूसरी G20 एम्पावर बैठक का आयोजन कहां हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम में हुआ है। कहां हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम में, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न आपका है, मार्च 2023 तक भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर कितना है? तो 7.8% है। कितना परसेंट है? 7.8%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। अब नासा ने लॉन्च किया है तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 की शुरुआत की है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल की किस्म को जीआई टैग दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ के साथियों नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। बिहार का मरचा चावल है, इसको जीआई टैग दिया गया है। बनारस का लंगरा आम है और बनारसी पान है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का सर फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के नरनपुरा में हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो गुजरात के नरनपुरा में साथियों, और इसका अनावरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती 7 अप्रैल को मनाई गई है, तो इनका संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो पंडित रविशंकर जो थे ये सितार वादक। क्या थे? सितार वादक। देखो पंडित रविशंकर को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1962 में दिया गया, पद्म भूषण दिया गया 1967 में, पद्म विभूषण दिया गया 1981 में, भारत रत्न दिया गया 1999 में, और इन्हें 5 ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब और भी कुछ साथियों वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे उस्ताद बिस्मिल्ला खां सहनाई वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, पंडित रविशंकर सितार वादक है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक है, उस्ताद असद अली खां वीणा वादक है, अमजद अली खां सरोद वादक है, पंडित राम नारायण साथियों ये सारंगी वादक है। पंडित राम नारायण क्या बजाते हैं? तो सारंगी बजाते हैं। विश्व मोहन भट्ट बजाते हैं वीणा, और साथियों तोताराम शर्मा तबला बजाते हैं, अल्लाह रखा ये भी बजाते हैं तबला। साथियों क्या बजाते हैं? तबला। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अडानी पावर ग्रुप ने किस देश में बिजली सप्लाई देना शुरू किया है? तो बांग्लादेश में अडानी पावर ग्रुप ने बिजली देना सप्लाई किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो भारत ने अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय नौसेना के द्वारा कहां अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है? तो मुंबई में साथियों भारतीय नौसेना। तो साथियों बताना है वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है और नौसेना दिवस साथियों कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथियों दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और जर्मन चिकित्सा सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर यह मनाया जाता है। और इस बार के होम्योपैथी दिवस का थीम था वन हेल्थ वन फैमिली। क्या थीम था? तो वन हेल्थ वन फैमिली। ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए
किस शहर के लोगों ने मतदान किया है, तो पेरिस के लोगों ने ई स्कूटर पर बैन लगाने के लिए मतदान किया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का 9वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन बना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है, ये दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बना है। अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा क्या है, तो क्या बोलोगे? ट्रसफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट क्या है, तो क्या बोलोगे? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। अगला प्रश्न आपका है, अश्वनी वैष्णव ने किस राज्य में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो सिक्किम में। और सिक्किम की राजधानी क्या है साथियों, और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, और सिक्किम के राज्यपाल कौन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है? तो असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन। साथियों देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2009 में सुखोई से उड़ान भरी थी। कब? 2009 में। अगला प्रश्न आपका है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण किस राज्य में बना है? तो उत्तर प्रदेश में बना है विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण। साथियों देखो, पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण का एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बना है। कहां बना है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम कहां लॉन्च किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस किस अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है भारत बायोटेक ने। और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना किसने की थी? कृष्ण एल्ला और सुचिता एल्ला ने इसकी स्थापना 1996 में की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। और हैदराबाद है मूसी रिवर के किनारे। साथियों हैदराबाद को बोलते हैं पाक कला का शहर। अगला प्रश्न आपका है, किसे सांख्यिकी में 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा जो इस क्षेत्र में गणित के जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है? तो कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को साथियों यह पुरस्कार मिलेगा जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है। गणित में, गणित के लिए साथियों एबल पुरस्कार ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया लुइस कैफ्रेली को दिया गया एबल पुरस्कार। साथियों किसे दिया गया? तो लुइस कैफ्रेली को दिया गया एबल पुरस्कार। अब अगला प्रश्न आपका है, 2023 में नवीनतम बाघों की जनगणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? तो भारत में 3,167 बाघ हैं नवीन रिपोर्ट के अनुसार। साथियों अब देखो, प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अब मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाघों की संख्या को सार्वजनिक बताया गया है। अब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है 526 और कर्नाटक दूसरे स्थान पर है 524 बाघों के साथ। साथ अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो डेविड वार्नर बने हैं। कौन बने हैं? डेविड वार्नर। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल के खिलाफ मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने आईपीएल में 6,000 रन बनाने वाले वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। और आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हर्षल पटेल बने हैं। कौन बने हैं? हर्षल पटेल। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा कहां ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर के सनासर में। कहां पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के सनासर में किया गया है। इसके द्वारा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में लंदन मीडिया आउटलेट टाइम आउट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कौन सा शहर है? तो प्रथम पर है तो बर्लिन। साथियों प्रथम स्थान पर है ट्रांसपोर्ट के मामले में। साथियों अगला प्रश्न आपका है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान ने। किसने घोषित किया है? तो राजस्थान ने। अब अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? तो भरोसा ऐप जो है यह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। भरोसा ऐप
देखो, असम में गुवाहाटी हाई कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा के लिए ट्रस्ट ऐप अर्थात भरोसा ऐप किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में मैरिलिगोन क्रिकेट क्लब में कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन सदस्यता प्रदान किया गया है? तो आजीवन सदस्यता दिया गया है मैरिलिगोन क्रिकेट क्लब में 5 भारतीयों को। वो कौन कौन से भारतीय हैं? तो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, झूलन गोस्वामी है, मिताली राज है और युवराज सिंह है। इन 5 प्लेयरों को आजीवन सदस्यता प्रदान किया गया है मैरिलिगोन क्रिकेट क्लब में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो तेलंगाना में। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद में हुसैन सागर झील है हैदराबाद में। साथ ही अगला प्रश्न आपका है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 अप्रैल को। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने भारत के इलेक्शन कमीशन को जनमत संग्रह देखने के लिए आमंत्रित किया है? तो उज्बेकिस्तान ने साथियों भारत को जनमत संग्रह देखने के लिए आमंत्रित किया है। तो उज्बेकिस्तान ने, उज्बेकिस्तान 30 अप्रैल को संविधान में सुधार के लिए जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो अब्दुल्ला अरीपो है उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न आपका है, न्यायमूर्ति AK सिंह किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति AK सिंह। और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनेक शाह है। और त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 28 मई को विनायक सावरकर की जयंती पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। साथियों देखो, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के नासिक में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 12 से 13 अप्रैल को कहाँ युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन किया है? तो युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। साथ ही अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के किस राज्य में मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो मेघालय में खोजी गई है। और उस मेंढक की प्रजाति का नाम क्या है? तो अमोलापस सीजू। क्या नाम है? अमोलापस सीजू। साथियों अब देखो, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1916 को, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। साथ ही अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के गोड पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के गोड पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 29 है। साथियों कितना है? 11 और 29। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में के अनुसार दुनिया का कौन सा देश सबसे अस्वतंत्र है? सबसे अस्वतंत्र देश जो बना है साथियों दुनिया का, वो तिब्बत बना है। कौन बना है? तिब्बत। और ये रिपोर्ट किसकी है? तो फ्रीडम हाउस इंडेक्स की रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को क्या नाम दिया गया है? तो रैपिडेक्स नाम दिया। क्या नाम दिया गया? रैपिडेक्स। साथ ही अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो तमिलनाडु ने। अब तमिलनाडु ने पास किया है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है? 18। और लोकसभा कितना है साथियों? तो 39 है। अगला प्रश्न आपका है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो निशा दहिया ने। साथियों किसने जीता है? तो निशा दहिया ने। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन हुआ, जिसमें इसने जापान के मुजी की नागा सीमा को मार दिया है। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में OBC का दर्जा दिया है? साथियों तो मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है। इसको तो ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश AI निवेश 2022
में प्रथम स्थान पर रहा है। तो अमेरिका साथियों एआई निवेश 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है। अब अमेरिका रहा है तो 49वीं समानता रेखा भारत और अमेरिका के बीच है। संविधान लिखने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपरियर झील है, जो कहां है? तो अमेरिका में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो राजस्थान में साथियों वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है और यह 15वां वंदे भारत एक्सप्रेस था। अब राजस्थान में दिखाया गया है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जोधपुर को क्या बोलते हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र है। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा कितना है साथियों? तो 25 है राजस्थान में। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलोर में बनाया जा रहा है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। देखो, भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली ऑफ और IT कैपिटल ऑफ इंडिया के उपनाम से जानते हैं किसको? ये जानते हैं साथियों बेंगलोर को उपनाम से। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलुरु में है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। अगला प्रश्न आपका है, सुहेलवा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है सुहेलवा बाघ अभ्यारण्य साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने साथियों खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के आखिरी गुरु थे, अर्थात 10वें गुरु थे। देखो, खालसा पंथ की स्थापना की याद में 14 अप्रैल को बैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। और सिख गुरु के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ हुआ था? तो बिहार के पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। साथियों सिख समुदाय के पहले गुरु कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा शहर 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो चेन्नई करेगा साथियों। कौन करेगा? चेन्नई। और चेन्नई महिलाओं को रोजगार देने के मामले में भी प्रथम स्थान पर है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के टाइगर रिजर्व को बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया साथियों? तो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को साथियों बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, और परम्बिकुलम नेशनल पार्क कहां पर है? तो केरल में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 125 फीट की ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। और हैदराबाद आपका मूसी रिवर के किनारे है साथियों। हैदराबाद के मध्य में हुसैन सागर झील के किनारे अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कौन से झील के पास? तो हुसैन सागर झील के पास। कहां पर? तो हैदराबाद में साथियों। अब देखो, इसका डिजाइन किया था मूर्तिकार राम बंजी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार के द्वारा। राम बंजी सुतार दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी डिजाइन किया था। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किया था? तो राम बंजी सुतार ने। और इसकी लंबाई कितनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी की साथियों? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान के वास्तुकार माने जाने वाले बाबा साहब अंबेडकर की इस बार 132वीं जयंती मनाई गई। और कब मनाई गई? तो 14 अप्रैल को मनाई गई साथियों। कब मनाई गई? तो 14 अप्रैल को मनाई गई। अब साथियों देखो, इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल को हुआ था, 14th अप्रैल 1891 को इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। कहां हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन साथियों। अब कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। तो देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है? तो यह असम में है साथियों। भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो असम में है भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम। तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेंस हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया। और यांगली महोत्सव कहां मनाया गया? तो यह मनाया गया असम में यांगली महोत्सव साथियों। अगला प्रश्न है आपका, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड
किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये बनाया है कंगिसो रवाना ने। आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम से खेलने वाले तेज गेंदबाज कंगिसो रवाना ने आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट हासिल करने का साथियों रिकॉर्ड बनाया है। अब साथियों देखो, यह जो कंगिसो रवाना है ये कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अमन सहरावत ने जीता है। किसने जीता है? अमन सहरावत ने। और अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो मोजाम्बिक में साथियों। और मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? तो मपूटो। और इस ब्रिज का नाम क्या है? तो बुज्जी ब्रिज। क्या नाम है? बुज्जी ब्रिज। अब अगला प्रश्न है, सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 12 अप्रैल को मनाया है। सेबी सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। और इसके चेयरमैन है माधवी पुरी बुच, सेबी के चेयरमैन है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो 15 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी है। और जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? अब्दुल नजीर। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी है। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है। विधान परिषद वाले राज्य साथियों कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, महाराष्ट्र में कितना है? 78। उत्तर प्रदेश में कितने 100 है? महाराष्ट्र में कितना है? 78। बिहार में कितना है? 75। कर्नाटक में 75। आंध्र प्रदेश में 50। और तेलंगाना में कितना है? तो 40 है विधान परिषद साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो साकिब अल हसन को, जो बांग्लादेश के हैं। और साथियों महिला में बात करें तो महिला में किसको दिया गया है? तो महिला में दिया गया है साथियों रवांडा की खिलाड़ी है हेनरिट इसिमेवे। कौन है? हेनरिट इसिमेवे, जो रवांडा के खिलाड़ी है। इन महिला में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है किस महीने का? तो मार्च महीने का साथियों। अब अगला प्रश्न है, रविंद्र जडेजा ने अप्रैल 2023 में T20 क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए हैं। तो जडेजा किस टीम के आईपीएल 2023 इस टीम से आईपीएल 2023 खेल रहे हैं? तो चेन्नई सुपर किंग्स से साथियों रविंद्र जडेजा आईपीएल खेल रहे हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने चिराओबा चंद्र नववर्ष मनाया है? तो मणिपुर ने साथियों चिराओबा चंद्र नववर्ष मनाया है। अब अगला प्रश्न आपका है, किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को। किसे? शाहरुख खान को। अगला प्रश्न आपका है, बच्चों के लिए फूड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो घना बना है। अब घना, देखो घना की राजधानी क्या है? अकरा। और यह पश्चिम अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पश्चिम अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। और नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 कृषि वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। कहाँ हुआ है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी नदी पर स्थित है, ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित हुआ उत्तराखंड में। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्री गलियारा कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड में बनाया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने साथियों ओबीसी का दर्जा दिया है। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया साथियों? तो 16 अप्रैल को मनाया गया। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, नंदिनी गुप्ता हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीती है, यह किस राज्य की है? तो राजस्थान की है नंदिनी गुप्ता साथियों। इसका आयोजन कहाँ हुआ था फेमिना मिस इंडिया का? तो इम्फाल के
हुमान लंपक स्टेडियम में हुआ था और 2022 के मिस इंडिया विजेता कर्नाटक की सिनी सेट्टी ने इनको ताज पहनाया था। तो 2022 में मिस इंडिया साथियों किसने जीता था, फेमिना मिस इंडिया, तो सिनी सेट्टी। और 2023 में किसने जीता है साथियों, तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है, ये राजस्थान की। अगला प्रश्न आपका है, संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया है, तो जर्मनी ने साथियों। अब जर्मनी ने बंद किया है तो जर्मनी हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता भी है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है, तो फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में G20 स्पेशल इकोनॉमी लीडर की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो मेघालय करेगा। और गारो खांसी मिकिर और जयंतिया जो है वो मेघालय की जनजाति है। अगला प्रश्न आपका है, आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वेंकटेश अय्यर बने हैं। कौन बने हैं, वेंकटेश अय्यर। कोलकाता नाइट राइड्स के स्टार ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने मुंबई के खिलाफ साथियों ये 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं आईपीएल 2023 में। अब देखो, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो कगिसो रवांडा ने। और अभी मैंने तुरंत बताया था आपको कि कगिसो रवांडा किस देश की है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आईपीएल में खेलने वाले पहले जुड़वा भाई कौन बने हैं, तो डुवान यानसन और मार्को यानसन बने हैं आईपीएल में खेलने वाले पहले जुड़वा भाई साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में होगा, तो चेन्नई में होगा। और चेन्नई महिला को रोजगार देने के मामले में प्रथम स्थान पर है और यह तमिलनाडु की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैबू नेबुला की तस्वीर जारी की है, तो क्रैबू नेबुला की तस्वीर जारी की गई है नासा के द्वारा। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस साथियों। अगला प्रश्न आपका है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस जारी करने वाला साथियों राज्य। अब देखो, हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार साथियों आ चुका है आपके एग्जाम में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया, 18 अप्रैल को मनाया गया। थीम क्या था, हेरिटेज चैलेंज थीम था। क्या थीम था, हेरिटेज चैलेंज। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है, तो मुंबई में लॉन्च किया है। अब एप्पल, तो एप्पल की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना हुई थी। एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में। और एप्पल के सीईओ कौन है, टिम कुक। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है, तो गिरिराज सिंह, जो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान किसे दिया गया है, तो राज सुब्रमण्यम को दिया गया है और यह पुरस्कार की शुरुआत 2003 में हुई थी। अब अगला प्रश्न आपका है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बाढ़ पुनर्वास के लिए बांग्लादेश को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है साथियों, तो 230 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है साथियों। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मेडलुवांग में है, फिलीपींस का एक शहर है मेडलुवांग, वहीं पे साथियों। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो मात्सुको अस्कावा जो है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट साथियों। अगला प्रश्न है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया, 19 अप्रैल को मनाया गया विश्व लीवर दिवस। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है, तो तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। मेट्टूर बांध कावेरी रिवर पर तमिलनाडु में है, पिल्लूर बांध भवानी रिवर पर तमिलनाडु में है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, कोयम्बटूर में है साथियों। और थेप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, तो एंजेला मार्केल को जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। अब साथियों देखो, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये अमेरिका का नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द क्राउन ये बेल्जियम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल ये मेक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जॉर्ज क्रॉस ब्रिटेन का है,
लीजियन डी ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये कहाँ का है, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, डी ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये कहाँ का है, तो कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है साथी। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने लूसी मिशन ने, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी के लूसी मिशन ने जुपिटर ट्रोजन उल्काओं की तस्वीर ली है साथियों, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने साथियों जुपिटर ट्रोजन उल्काओं की तस्वीर ली है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में दुनिया के 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है, तो न्यूयॉर्क साथियों, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में साथियों 58 अरबपति हैं, और इसी के साथ साथियों यह प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में मैगरोव पिट्टा पक्षी मिला है, तो ओडिशा में साथियों। अब ओडिशा में कहां मिला है, तो भीतरी कनिका के वन अधिकारियों ने 179 मैगरोव पिट्टा पक्षी को देखा है, और सिर्फ ओडिशा के भीतरी कनिका और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के मैग्रोव वन में यह पक्षी पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। अगला प्रश्न आपका है, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन बना है, तो सीरिया बना है साथियों। और नार्को स्टेट का मतलब क्या होता है, तो उस देश से मतलब है जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर रहते हैं, वही होता है नार्को स्टेट साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो 638 करोड़ रुपए परियोजनाओं की मंजूरी दी है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों, कहां कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये थावे महोत्सव कहां हुआ साथियों। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय सेना के सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है भारतीय सेना ने साथियों, तो तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में है, इसी के साथ भारतीय सेना ने समझौता किया है कि यह अपने सैनिक को चीनी भाषा में प्रशिक्षण देगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका, बिरजन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो हरमनप्रीत कौर बनी है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है, तो 325 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो केएल राहुल बने हैं। अब देखो इससे पहले कौन कौन बना चुके हैं, तो भारत के विराट कोहली, शिखर धवन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने साथियों आईपीएल में 6000 रन बना चुके हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो कृषि मंत्रालय ने, और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। प्रथम कृषि मंत्री कौन थे साथियों, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपका है, इंडियन एयरफोर्स ने सूडान के किस जर्जर हवाई पट्टी पर अंधेरी रात में नाइट विजन गॉगल्स की मदद से भारतीयों को एयरलिफ्ट किया है साथियों, तो वाडी सियादिना हवाई पट्टी से साथियों ये इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, तो भारतीयों को एयरलिफ्ट किया है। कौन सा हवाई पट्टी साथियों, तो वाडी सईदीना हवाई पट्टी साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, सिथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। अगला प्रश्न आपका है, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ओडिशा करेगा, तो ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा कितना है, 10, और लोकसभा कितना है, 21 साथियों। गंजम जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला बना है जो बाल विवाह मुक्त जिला बना है। ओडिशा में बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो बैंकॉक में किया गया साथियों। अब बैंकॉक तो थाईलैंड की राजधानी है, बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत, और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रयुक्त चानोचा थाईलैंड के प्रधानमंत्री है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया, तो 21 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस साथियों। मूलापेटा एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं अंडों की टोकरी। देखो वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने श्रीकाकुलम जिले में मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की मंजूरी दी है साथियों। अब देखो आंध्र प्रदेश तो फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और फल का अध्ययन किस में होता है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। विनाइल के बैनरों पर
प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश बना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया है साथियों। और भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका कौन है? फातिमा शेख है, जिसके योगदान को आंध्र प्रदेश ने अपने स्कूलों के पाठ में शामिल किया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस देश की है गैरी बैलेंस साथियों? तो गैरी बैलेंस है इंग्लैंड की। कहां की है? इंग्लैंड की। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक के साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है साथियों? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कहां के अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने रॉबर्ट विल्सन? तो रॉबर्ट विल्सन न्यूयॉर्क के बने हैं अश्वेत मुख्य न्यायाधीश साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में फसल बीमा योजना पुरस्कार किस राज्य सरकार ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। और कर्नाटक का मटूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। क्या बोली जाती है? संस्कृत। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है, कृष्णदास सागर बांध कावेरी रिवर पर है। और संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है साथियों। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। तो फुटबॉल में जो जो ट्रॉफी और कप दी जाती है इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। एक तो मैंने बता दिया आपको, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में होता है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में टाटा स्टील ने किस राज्य में मेथिलोन प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो ओडिशा में साथियों। ओडिशा में कहां पर? तो ओडिशा के कलिंगा नगर में लगाया जाएगा मेथिलोन प्लांट टाटा स्टील के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? तो मेघालय में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप था, कौन सा था? स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया साथियों, जो फेल हो गया इसकी लॉन्चिंग। और साथियों कुछ दूर पर जाने के बाद साथियों इसमें विस्फोट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि ये फेल हो गया इसकी लॉन्चिंग साथियों। और स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क। और टेस्ला जो कार की कंपनी है वो इन्हीं की है साथियों। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी? 14 मार्च 2002 को। और स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा बनी है। और साथियों अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? डेविड वार्नर बने हैं। कौन बने हैं? डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर कहां के हैं? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो भारत है साथियों। देखो संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की थी, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी जो हो गई है वो 142.86 करोड़ पहुंच गई है। और जबकि चीन की आबादी जो है कितनी है? तो 142.57 करोड़ है। तो चाइना दूसरे स्थान पर आ चुकी है और भारत जनसंख्या में पहले स्थान पर आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो कर्नाटक से साथियों। कर्नाटक से क्या शुरू किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा? तो वोट फॉर होम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है साथियों। देखो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां खोला जाएगा? बेंगलोर में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक। और अमृत नगरोत्थान योजना की शुरुआत कहां हुई है? तो कर्नाटक में हुई है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोहित शर्मा को। और निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई वाहन अभियानों के तहत सरकारी विभाग में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अगला प्रश्न है आपका, ओलिवर डाउडेन किस देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन और या इंग्लैंड के उप प्रधानमंत्री बने हैं ओलिवर डाउडेन साथियों। क्या बने हैं? उप प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने पंचायतों को स्थानीय त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने साथियों। अब छत्तीसगढ़ ने की है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। यहाँ पे राज्यसभा कितना है? 5 और लोकसभा कितना है? 10। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस रमेश सिन्हा बने हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में यश चोपड़ा की पत्नी पामेल चोपड़ा का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? साथियों ये प्लेबैक सिंगर थी।
क्या थी? प्लेबैक सिंगर। देखो इनका इनका निधन हुआ है निमोनिया के कारण साथियों, मुंबई में हुआ था। और निमोनिया जो है वो हमारे शरीर के फेफड़े को प्रभावित करती है, निमोनिया साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य में अपने 51 वर्ष के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है साथियों? तो असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने 51 वर्ष के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है। अब देखो इस समझौते में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और इस समझौते पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब देखो केंद्र और राज्य के बीच आपसी विवाद का समाधान कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत करता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। और अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 11 में है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश में गृह युद्ध की वजह से 3000 भारतीय फंस गए हैं? तो सूडान में साथियों गृह युद्ध हो रहा है जिसके वजह से 3000 भारतीय वहां फंस गए हैं। अब सूडान तो देखो यह एक अफ्रीकी देश है, कर्नाटक की हक की पिकी जनजाति यहां फंसी हुई है और केंद्रीय विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को कार्य दिया गया है यहां से लोगों को निकालने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है साथियों? सॉरी साथियों, केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। अब देखो ये जो साथियों गृह युद्ध हो रहा है ये किनका है? तो मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों एक दूसरे से साथियों युद्ध लड़ रहे हैं। देखो अब ये जो सूडान है, सूडान की राजधानी क्या है? खार्तून। और सूडान की करेंसी क्या है? तो स्वीडिश पौंड है। साथियों सूडान पे मैंने एक बेस्ट वीडियो बनाया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और G20 समिट पे ही मैंने साथियों एक वीडियो बनाया है उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन बच्चों का एग्जाम साथियों है वो अवश्य उस वीडियो को देख ले साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक 4-5 मई 2023 को होगी? तो गोवा में होगी। विदेश मंत्री के साथियों बैठक कहाँ होगी? गोवा में होगी। अब देखो SCO, तो SCO का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चाइना के बीजिंग में SCO का हेडक्वार्टर है साथियों। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई। और ये जो विदेश मंत्री की बैठक है उसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? बिलावल भुट्टो। अब पाकिस्तान के आ रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन है? तो रेडक्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 का साथियों अध्यक्ष है। अब अगला प्रश्न आपका है, खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। खोंगजोम में वर्ष 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में साथियों यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों के सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का लक्ष्य 2030 तक रखा है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों। किसने रखा है? उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने अपने वेस्टिल सैन्य परेड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया है? तो फ्रांस ने। किसने बुलाया है? फ्रांस ने। अब फ्रांस ने बुलाया है तो कब होगा यह परेड साथियों? 14 जुलाई को फ्रांस में यह परेड होगा। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस किस रिवर के किनारे है? तो सीन रिवर के किनारे। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो NHAI ने कब तक भारत में 10,000 किलोमीटर तक डिजिटल हाईवे विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024-25 तक साथियों। और NHAI के चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव साथियों NHAI के चेयरमैन है और स्थापना 1995 में हुई। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को लागू करने की घोषणा की है? तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने साथियों। देखो यह नियम पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम 2001 की जगह पर आया है और इसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत जारी किया गया साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अर्थात ट्रेड पार्टनर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन बना है? तो अमेरिका बना है। अब देखो अमेरिका और दूसरे स्थान पर ट्रेड पार्टनर में कौन है? चाइना है। और तीसरे स्थान पर कौन है? UAE है, संयुक्त अरब अमीरात साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में Under-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया की जगह कौन सा देश करेगा? तो अर्जेंटीना करेगा। कौन करेगा? अर्जेंटीना करेगा। अब देखो साथियों फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? 15। बेसबॉल खो खो में कितने हैं? 9 खिलाड़ी हैं। जिमनास्टिक में 8 हैं। वाटर पोलो कबड्डी और नेटबॉल में 7 हैं। वॉलीबॉल में 6 हैं। बास्केटबॉल में 5 है। और पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है?
तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने सिंगापुर की 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो अपने देश भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने साथियों सिंगापुर के 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन। और इसका इसकी स्थापना कब हुई आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो साथियों, श्रीहरिकोटा के स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-C55 के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह TLIOS-2 और NUMOMILITE-4 को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस देश ने 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का अनावरण किया है? तो मैक्सिको ने साथियों। किसने किया है? मैक्सिको ने। अगला प्रश्न आपका है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? आशा भोसले को दिया गया। ये लता मंगेशकर की बहन है आशा भोसले। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन कावेरी की साथियों। देखो अब यूक्रेन में साथियों कौन सा अभियान शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा? ऑपरेशन गंगा। और यवन में कौन सा शुरू किया गया था? ऑपरेशन राहत साथियों। साथियों अगला प्रश्न आपका है, ई श्रम पोर्टल पर माइग्रेट मजदूरों के लिए नए सुविधाओं का शुभारंभ किया गया है, यह पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? यह पोर्टल 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। और यह किसने लॉन्च किया साथियों? तो यह किसके अधीन होता है? तो साथियों श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन होता है। और साथियों इसमें जो पंजीकरण करेंगे उनकी आयु क्या होगी? तो 16 वर्ष से 16 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक के बीच उनकी आयु होगी साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई है, कहां पर? तो केरल में। और ये जो वाटर मेट्रो है साथियों ये कोचीन के आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगा, याद रखिएगा कोचीन के आसपास के कितने द्वीपों को जोड़ेगा? 10 द्वीपों को। अगला प्रश्न आपका है, किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया है? तो सरजाह स्टेडियम साथियों, ये कहां पर है? यूएई में है। और इसने अपने एक स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम इनके नाम पर रखा है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के माना गांव में देश के पहले गांव के रूप में चिन्हित किया है माना गांव को? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में है माना गांव साथियों, जिसे सीमा सड़क संगठन ने क्या बोला है? तो यह देश का पहला गांव है। अब देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो 1960 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी साथियों। कौन है? राजीव चौधरी। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय में साथियों। और जापान, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फुमियो किशिदा। जापान की संसद का नाम क्या है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और इंपीरियल पैलेस कहां है? टोक्यो में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, प्रकाश सिंह बादल का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साथियों थे? तो प्रकाश सिंह बादल जो थे ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे साथियों। कहां के थे? पंजाब के। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने साथियों रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अब ऑस्ट्रेलिया साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसे AOA भी बोलते हैं। और साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? एंटोनियो एल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी साथियों। अब देखो सिपरी, सिपरी साथियों दुनिया के रक्षा बजट को बढ़ाता है साथियों। तो सिपरी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2022 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च जो साथियों है, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 4th है साथियों। अब देखो पूरी दुनिया अपने मिलिट्री खर्च पर 183 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और साथियों इसी को डॉलर में देखे तो 2,240 मिलियन डॉलर साथियों। अब देखो इस रिपोर्ट के अनुसार साथियों प्रथम स्थान पर अमेरिका है, द्वितीय स्थान पर चाइना है, तृतीय स्थान पर रूस है और चतुर्थ स्थान पर भारत है, जो खर्च कितना कर रहा है? तो 3.6% कर रहा है 183 लाख करोड़ में साथियों। अब देखो साथ सिपरी, तो सिपरी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सिपरी की स्थापना हुई थी 6 मई 1966 को सिपरी की स्थापना हुई थी साथियों। और सिपरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सिपरी का हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन में। और सिपरी के चेयरमैन कौन है साथियों? स्टेफन लोवेन जो है ये सिपरी के चेयरमैन है। अब अगला प्रश्न आपका है,
हाल ही में मन की बात की 100 एपिसोड पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के सिक्के जारी करने की घोषणा की है? तो 100 रुपए के सिक्के साथियों। अब देखो, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और यह सिक्का साथियों चांदी, तांबा, निकल और जस्ता का बना हुआ है। सिक्के के पीछे मन के बात के लोगों को प्रदर्शित किया गया है और सिक्के के अगले हिस्से पर अशोक स्तंभ है और नीचे में क्या है? तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 200 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी बने हैं। कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी साथियों। अगला प्रश्न आपका है, मुरथोक वेंकाकाडी संकरण का 23 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सर्कस से है। आपने सुना होगा जैमिनी सर्कस का नाम साथियों, इनकी शुरुआत इन्हीं ने की थी। किसने? तो मुरथोक वेंकाकाडी संकरण ने। और भारतीय सर्कस का अग्रदूत जो बोला गया है वो इन्हीं को बोला गया, MB संकरण को। इनको MB संकरण भी बोलते हैं साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आदिवासी छात्रों के लिए मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने। किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने खेल संस्कृत को पुनः जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू किया है? तो एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है केरल ने साथियों। किसने किया है? केरल ने। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में IIT मद्रास किस देश ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो तंजानिया में। कहां पर? तंजानिया में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के माना मदुराई मिट्टी के बर्तन को GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के माना मदुराई मिट्टी के बर्तन को GI टैग दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने पेंसिल्वेनिया राज्य ने दिवाली को सरकारी अवकाश घोषित किया है? तो अमेरिका देश का साथियों एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, इन्होंने दिवाली पर सरकारी अवकाश घोषित जारी किया है। अब अगला प्रश्न आपका है, जीत गर्थी पर्व किस देश में मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है जीत गढ़ी पर्व साथियों। कौन सा पर्व? जीत गढ़ी पर्व नेपाल में मनाया गया है और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के तिरुअनंतपुरम से कासरगोड के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो केरल को साथियों, केरल में। केरल में साथियों तिरुअनंतपुरम से कासरगोड के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ के 6th संस्करण का उद्घाटन कहां किया है? तो नई दिल्ली में किया। कहां पे किया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में वन विहार नेशनल पार्क में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध लगा दिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है वन विहार नेशनल पार्क? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क है साथियों। अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहां हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ साथियों। तो साथियों 2023 के 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है, तो इसमें कितने लोगों को सम्मानित किया गया है प्रवासी व्यक्ति को साथियों? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो गोवा में हुआ। अब गोवा में हुआ तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहां होगा? तो गोवा में होगा साथियों। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन बना है? गोवा बना है। क्लीन एथॉन का आयोजन कहां हुआ है? तो मेरी मारा बीच पर हुआ है। और अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहां हुआ है? तो साथियों ये भी गोवा में हुआ है। अगला प्रश्न आपका है, दाई लामा ने कौन सा अवार्ड घोषित होने के 64 साल बाद अप्रैल 2023 में लिया है? तो रेमन मैक्सेस प्राइज साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किस देश की बीटो कंपनी ने अयोध्या शहर के कचरे से बायोडीजल बनाने वाले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है साथियों? तो बेल्जियम ने। किसने चुना है? बेल्जियम ने। अगला प्रश्न आपका है, अर्जुन वाजपेयी इनमें से किस पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो माउंट अन्नपूर्णा पर साथियों चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्जुन वाजपेयी, जो महाराष्ट्र के हैं। अगला प्रश्न आपका है, मन की बात @ कार्यक्रम में कलेक्टिविटी स्प्रिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो शशि शेखर वेम्पति ने लिखा है साथियों। और मन की बात का 100 कार्यक्रम साथियों पूरा हो चुका है, जिसमें मोदी जी ने 100 रुपए के सिक्के भी जारी किए हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है?
तो राजस्थान में साथी हूँ। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथी हो। अगला प्रश्न आपका है, फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका साथियों कौन है, आलिया भट्ट को साथियों फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सम्मानित किया गया है। साथियों अब देखो, आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। राजकुमार राव को बधाई दो फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है साथियों, और संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो आईआईटी कानपुर में। अगला प्रश्न आपका है, केंद्रीय कैबिनेट ने देश के कितने नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है, तो 157 नर्सिंग कॉलेज के साथ। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने चांद पर ऑक्सीजन की खोज की है, तो अमेरिका के स्पेस एजेंसी ने चांद पर ऑक्सीजन की खोज की है, और अमेरिका के साथियों नासा ने नासा के जॉन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने चांद की कृत्रिम मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने में कामयाबी हासिल की है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव की रक्षा के लिए 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व बनाए हैं, तो राजस्थान ने साथियों। अब यह 3 नए वन्य जीव संरक्षण का नाम क्या है, तो सुरहन संरक्षण रिजर्व साथियों, खिचन संरक्षण रिजर्व और हामीरगढ़ संरक्षण रिजर्व साथियों। अब देखो, राजस्थान में कुल कितने वन्य संरक्षण हो गए, तो 29 साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के कालेश्वर नेशनल पार्क में 10 साल बाद बाघ देखा गया है, तो हरियाणा में साथियों। कहां पर, तो हरियाणा में साथियों। हरियाणा के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा के बारे में आप क्या क्या जानते हो। अगला प्रश्न आपका है, अजय वॉरियर 2023 सेना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा, तो भारत और ब्रिटेन के बीच होगा। अब प्रमुख सेना अभ्यास है जो आपके एमपीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या कोई भी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र सेना अभ्यास, ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सेन्यू मैत्री सेना अभ्यास भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन सेना अभ्यास भारत और जापान के बीच। दस्तलिक सैनाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। वीर गार्जियन सैनाभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। वरुण सैनाभ्यास ये होता है भारत और फ्रांस के बीच, और गरुड़ सैनाभ्यास भी होता है भारत और फ्रांस के बीच साथियों। काजिंद सैनाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। नसीम अल बहर सैनाभ्यास भारत और ओमान के बीच। हरिमो शक्ति सैनाभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है, किसके बीच होता है, तो भारत और मलेशिया के बीच। और ऑस्ट्रा हिंद सैनाभ्यास होता है, ये भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साथियों। गरुड़ शक्ति सैनाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। टाइगर ट्रंप अभ्यास साथियों भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार सैनाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। उदार शक्ति सैनाभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। और अलनगा सैनाभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और ओमान के बीच होता है। बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सूर्य किरण सैनाभ्यास जो होता है, ये किस दो देश के बीच होता है। अगला प्रश्न आपका है, स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष। और अमिताभ घोष को 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया साथियों, अंग्रेजी भाषा के लिए साथियों। और ऐसे यह पहले लेखक हैं जिनको अंग्रेजी भाषा के लिए साथियों अब तक में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, इंडियन एयरफोर्स ने सूडान के किस जर्जर हवाई पट्टी पर अंधेरी रात में नाइट विजन गॉगल्स की मदद से भारतीयों को एयरलिफ्ट किया है, तो वाडी सियादीना हवाई पट्टी पर साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, सिथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां हुआ, तो जम्मू कश्मीर में हुआ साथियों। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। तो साथियों ये था अप्रैल महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर अर्थात 229 MCQ साथियों। अगर इसकी आपको पूरी जानकारी चाहिए साथियों, तो आपको डेली 1x1 करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा साथियों, पर डे पढ़ना पड़ेगा। मैं पर डे 4 बजे मॉर्निंग में साथियों करंट अफेयर अपलोड करता हूं, और जो उस करंट अफेयर में साथियों लास्ट में 5 प्रश्न करता हूं, उस प्रश्न के साथियों जो बच्चे सही सही 5 प्रश्न के जवाब देते हैं और उनका पहला कमेंट होता है, उनमें मैं 20 रुपीज की राशि साथियों देता हूं। तो ये था आज का हमारा साथियों महत्वपूर्ण टॉपिक, अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण MCQ जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जानकारी साथियों कैसी लगी, इसका जवाब साथियों आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देना।
धन्यवाद।